अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नायला राशिद किचन। और आज यहाँ मेरी किचन में बन रहा है फ़िश कटलेट बन रहे हैं, जिसके लिए देखें ये मैंने फ़िश को आप चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं और उसको सॉटे भी कर सकते हैं आप। उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसे हल्का सा सॉटे कर सकते हैं आप। ये मैंने जो है और फिर उसके अंदर ये ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड करना है और ये बॉईल करके मैंने पोटैटो रखे हुए हैं वो ऐड करने हैं। अच्छा देखिए, मैंने ये पिंक सैल्मन से ये बना रही हूँ। बस मैंने पिंक सैल्मन जो कि केन में थी उसको मैंने सॉटे कर लिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट में, एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल के। और फिर उसके अंदर मैंने ये देखिए, मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं सिर्फ उसमें ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ, सॉल्ट है और ओरिगैनो है। अच्छा ये देखें, ये मेरे पास ब्रेड ब्राउन ब्रेड है, ये थोड़ा सा रेड चिली पाउडर आप लोग जो डालना चाहते हैं, चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने सिर्फ ये ब्रेड के दो स्लाइस हैं, ब्राउन ब्रेड के हैं, आप नॉर्मल ब्रेड के भी डाल सकते हैं। ये मैं इसके अंदर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, जो बच्चों को चीज़ें पसंद हैं मैं वो ऐड कर रही हूँ। आप लोग जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं मसाले वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं आप। इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, ये स्प्रिंग अनियन ये भी ऐड कर सकते हैं। और बस मैं इसकी कोटिंग करूँगी, कॉर्नफ्लावर है और अंडे में मैंने डिप किया है। आप चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको अंडे से नहीं कोट करना तो आप सिर्फ कॉर्नफ्लावर के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करें, उसका पेस्ट बनाएं और उससे इसको कोट करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो रेसिपी है ये उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं और फटाफट से ये बन जाएगी, जैसे अगर टूना या सैल्मन जो है वो टिन वाले हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा उसे बस सॉटे करें आप किसी भी ऑयल के अंदर, गार्लिक थोड़ा सा चॉप कर लें उसमें करें तो उससे उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, जो लोग जॉब करते हैं तो फटाफट से आके टिन खोला और जो है उसके बॉयल पोटैटो जो है वो बॉयल कर लिया, उसको मिक्स किया और अपनी पसंद के जो है वो मसाले उसके अंदर ऐड किए, और ये देखें ज़बरदस्त से कटलेट्स जो हैं वो तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग थोड़ी सी चीज़ें ऐड और कर सकते हैं और जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ओरिगानो को स्किप कर सकते हैं आप। तो देखें ज़बरदस्त व्यू के साथ मेरे ये फ़िश कटलेट्स तैयार हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।